टॉपिक फॉर टुडे डिस्कशन इज डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल लॉजिक गेट, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्यूमुलेटर लॉजिक। हमने हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में स्टडी किया था और माइक्रो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट के बारे में स्टडी किया था। कंट्रोल लॉजिक गेट जो होते हैं वो आपके हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट के बिल्कुल सिमिलर होते हैं। हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट के बारे में अगर बात की जाए तो ये कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करने के काम में आती है, जिसका कि प्रोसेसर यूज़ करते हैं अपनी प्रोसेसिंग के लिए। हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट सिंपल इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करने के लिए काफ़ी यूज़फुल है, और हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट एंड कंट्रोल लॉजिक गेट्स का जो बेसिक पर्पस है वो है इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करना, सिंपल इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करना कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू। स्टूडेंट्स, द कंट्रोल लॉजिक गेट फॉर ए बेसिक कंप्यूटर सेम एज वन यूज्ड इन हार्ड वायर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। हार्ड वायर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में जो आपने लॉजिक गेट्स यूज़ किए थे बेसिक कंप्यूटर्स में, बिल्कुल सिमिलर डिज़ाइन पैटर्न है। ब्लॉक डायग्राम भी बिल्कुल इसका सिमिलर है। अगर मैं इसके ब्लॉक डायग्राम को देखूं तो आप देखिए, यहाँ पर आपको 3x8 डिकोडर मिलेगा, जो कि आपने हार्ड वायर्ड कंट्रोल यूनिट में भी देखा था। 4x16 डिकोडर हमारे पास में होता है, एक हमारे पास में सीक्वेंस काउंट है, हमारे पास में कंट्रोल लॉजिक गेट्स डिज़ाइन है। देखिए, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में बताया हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी होती है, हमारे पास में 16 होती हैं। 12 बिट किसी इंस्ट्रक्शन को स्पेसिफाई कैसे किया जाता है, 12-14 जो बिट होती है वो टाइप ऑफ ऑपरेशन बताती है, ऑपरेशन कोड, और जो लास्ट 15 बिट है, देखिए ये जो है हमारा फ्लिप फ्लॉप के लिए इसका बेसिकली यूज़ होता है, जो लास्ट 15 बिट है वो आपकी फ़्लिप फ्लॉप को रिप्रेजेंट करती है और ये बताती है कि यहाँ पे डायरेक्ट इंडेक्सिंग का यूज़ हुआ है या फिर आप इनडायरेक्ट इंडेक्सिंग का यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कंट्रोल लॉजिक सर्किट है उसमें हमारे पास में दो डिकोडर हैं, फ्लिप फ्लॉप है एंड बिट ज़ीरो है 11 तक, जिसको कि हम IR भी बोल रहे हैं, डेट इज़ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। नाउ अदर इनपुट्स की बात करें कंट्रोल लॉजिक सर्किट्स की, तो इसमें हमारे पास में एक्यूमुलेटर है जो 0 से लेके 15 तक रिप्रेजेंट होते हैं, डाटा रजिस्टर्स हैं, एंड इनकी जो वैल्यू होती है फ्लिप फ्लॉप की वो आपकी कितनी है, 7 फ्लिप फ्लॉप्स का इसमें यूज़ किया गया है। देखिए, यहाँ पर हम D0 से लेके D7 तक यूज़ कर रहे हैं, डेट इज़ D0 to D7, इट मीन्स यहाँ पर हम 7 फ्लिप फ्लॉप का यूज़ कर रहे हैं। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली रजिस्टर्स का ही वर्क करते हैं जिसमें कि कोई बिट आके सेव होती है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे 3x8 डिकोडर यूज़ किया है, इट मीन्स 3 हमारे पास में क्या हैं, बिट्स हैं, उनको हम 8 पैटर्न्स में लेके जा सकते हैं। नाउ द कंट्रोल ऑफ द इनपुट ऑफ द 9 रजिस्टर्स, देखिए यहाँ पे 9 रजिस्टर्स को आपको कंट्रोल करना है। रीड एंड राइट इनपुट्स मेमोरी को में किस तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं वो भी इस डिज़ाइन पैटर्न में आपको देखने को मिला। यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप का जो बेसिक वर्क है वो किसी भी इंस्ट्रक्शंस को सेट करना, क्लियर करना, या फिर मेरे पास में कोई पर्टिकुलर बिट आ रही है उस बिट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। नाउ हमारे पास में यहाँ पर सीरियल बसेस भी यूज़ होती हैं। देखिए, जो हमारे पास में अगर हम यहाँ पे बस की बात कर रहे हैं तो बस का बेसिक पर्पस है डाटा कैरी करना, तो यहाँ पे 3 सीरियल बसेस यूज़ की गई हैं सीक्वेंस काउंटर्स में, S0, S1 एंड S2। यहाँ पर जो हमारे पास में एक्यूमुलेटर रजिस्टर है उसको हम एक एडर की तरह यूज़ कर रहे हैं, और इसमें लॉजिक सर्किट्स का भी यूज़ किया गया है। वी विल स्टडी अबाउट द लॉजिक सर्किट्स और लॉजिक गेट्स।
नाउ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास में किस किस तरीके के लॉजिक गेट्स हमें देखने को मिलेंगे। देखिए लॉजिक गेट जो हैं वो हमारे किसी भी डिजिटल सिस्टम के मेन स्ट्रक्चरल पार्ट्स होते हैं, क्योंकि इन लॉजिक गेट की हेल्प से ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया जाता है। लॉजिक गेट आर ए ब्लॉक ऑफ हार्डवेयर, ये हार्डवेयर हैं जो कि हमें सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, वन और ज़ीरो। जब भी हम कोई इनपुट सिग्नल देंगे, कोई इनपुट लॉजिक की रिक्वायरमेंट होगी, इनपुट को हमें सेटिस्फाई कराना होगा, तो वहाँ पे वन और ज़ीरो डेट इज़ बाइनरी सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है, और लॉजिक गेट बाइनरी सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने के काम में आते हैं। जितने भी गेट्स हैं हमारे पास में, उन सबका एक डिस्टिंक्ट ग्राफिक सिंबल होता है। मीन्स हमारे पास में एंड गेट है, और गेट है, जोर गेट है, तो आप देखेंगे कि मुझे अगर एंड गेट बनाना है तो मैंने इसमें दो इनपुट दे दिए, ठीक है, और मुझे नॉट गेट बनाना है, तो इस तरीके से ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं। हमारे पास में 7 लॉजिक गेट्स हैं, जिसमें एंड गेट, और गेट, जोर गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट एंड एक्सनॉर गेट कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे, बेसिकली जब भी हम इन गेट्स का यूज़ करेंगे तो हमें वहाँ पे दो बाइनरी इनपुट देने होते हैं, जिनको कि हम ए और बी से क्या करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे, और जो हमारे पास में आउटपुट आएगा उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे। नाउ इनपुट आउटपुट बाइनरी वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर हम गेट का यूज़ करते हैं, और इन गेट्स की वैल्यूज़ को टेबुलर फॉर्म में दिखाया जाता है, जिसको कि हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड गेट की। देखिए अगर मैं एंड गेट की बात करूं, तो एंड गेट हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि हाई इनपुट वैल्यू हमें देता है। कंडीशन ये है कि यहाँ पे जितने भी इनपुट हैं वो हाई स्टेट में होने चाहिए। मींस एंड में जब हम ट्रुथ टेबल की बात करें, तो एंड में जब दोनों कंडीशन हमारे पास में ट्रू होती हैं, तभी हमारे पास में आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। देखिए यहाँ पर ये ग्राफिकल सिंबल आपको बताया गया है। मेरे पास में एल्जेब्रिक फंक्शन बनेगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू ए बी, दिस इज एंड गेट। मैंने आपको बताया कि जब मेरे पास में दोनों इनपुट हाई होंगे, दैट इज़ द स्टेट, ए के पास में 1 बिट है, बी के पास में 1 बिट है, तब मुझे क्या मिलेगी, आउटपुट हाई मिलेगा। अदरवाइज मेरे पास में 0 0 0 आउटपुट हाई नहीं आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी मेरे पास में यहाँ पे मुझे अपना आउटपुट हाई वैल्यू में शो होता है। स्टूडेंट्स और गेट की बात करें, और गेट हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि हमें हाई आउटपुट देता है, अगर दोनों इनपुट में से एक की भी स्टेट क्या है, हाई है, तो हमें आउटपुट हाई मिल जाएगा। द ऑपरेशन परफॉर्म बाय एन और गेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्लस साइन। एक चीज़ और देखनी, जब भी हम और गेट की बात करेंगे तो हमें वहाँ पे प्लस साइन से इसके आउटपुट को या ऑपरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। और गेट, देखिए एंड गेट को आपने किस तरीके से शो किया था, इस तरीके से रेक्टेंगल को थोड़ा सा कर्व शेप में लेके आए थे, लेकिन जब हम और गेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एरो बनाते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, और गेट को शो करना है। तो और गेट बेसिकली क्या है, इसका जो एल्जेब्रिक फंक्शन है वो है ए एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पर अगर एक भी इनपुट हाई है तो मुझे आउटपुट में हाई वोल्टेज देखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो मुझे आउटपुट 0 मिल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 0 1 है स्टेट, तो मुझे आउटपुट हाई वोल्टेज मिल रहा है। इसके बाद में ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तब भी मुझे 1 आउटपुट मिल रहा है, और ए और बी अगर दोनों हाई स्टेट में हैं तब भी मेरे पास में आउटपुट क्या है, हाई स्टेट में आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स,
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट गेट, डेट इज़ नॉट गेट। देखिए नॉट गेट जो बेसिकली होता है वो आपका इन्वर्जन को प्रोड्यूस करने के काम में आता है। मीन्स अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊँ तो बेसिकली यही करना है कि जो आगे हमें एक छोटा सा सर्कल बना देना है, तो ये जो सर्कल है ये आपका इन्वर्जन को शो कर रहा होता है। तो नॉट गेट में मेरे पास में अगर वोल्टेज 1 है तो 0 हो जाएगा, और 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नॉट गेट एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि इन्वर्टेड वर्जन ऑफ इनपुट, अगर आपने वोल्टेज आपका हाई है तो आउटपुट आपको 0 मिल जाएगा, वोल्टेज लो स्टेट में है तो आउटपुट आपको हाई मिल जाएगा। इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। देखिए इन्वर्टर में जो गेट होता है वो आपका नॉट गेट यूज़ होता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं नैंड गेट की। नैंड गेट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है आपका एंड गेट का और नॉट गेट का। यहाँ पर हमें हाई आउटपुट देखने को मिलेगा अगर किसी भी सीरियल बस का इनपुट लो है। अगर लो है तो हमें हाई आउटपुट देखने को मिलेगा, हाई है तो लो आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्मॉल सर्कल जो है, द नैंड गेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एंड गेट विद ए स्मॉल सर्कल। तो आपको ध्यान रखना, जो हम यहाँ पे स्मॉल सर्कल यूज़ कर रहे हैं वो आपका इन्वर्जन के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि हम यहाँ पे नॉट परफॉर्म कर रहे हैं, एंड का नॉट, डेट इज़ नैंड। तो इसके अगर मैं ट्रुथ टेबल की बात करूँ तो जो ट्रुथ टेबल होता है, देखिए यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे छोटा सा हमने यहाँ पे सर्कल बना दिया है। तो ये जो सर्कल है आपका स्मॉल सर्कल, ये आपको देखिए इस तरीके से आप इसको बना रहे हैं, दिस वन। तो ये जो है आपका इन्वर्जन है, एंड का हमने नॉट कर दिया। तो अगर मुझे कहीं पे भी लो वोल्टेज देखने को मिलेगा, मींस मुझे अगर 0 मिलेगा तो हाई स्टेट मुझे 1 शो हो जाएगी। 0 मिला मुझे यहाँ पे, लो वोल्टेज मिला, आउटपुट 1 आ गया, लो वोल्टेज मिला आउटपुट 1 आ गया, लो वोल्टेज मिला आउट 1 आ गया। लेकिन अगर मेरे पास में हाई वोल्टेज है तो इसका रिवर्स, यानी कि मुझे लो वोल्टेज देखने को मिल रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में नॉर गेट होता है। देखिए हमने नैंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, एंड में नॉट लगा दिया तो मुझे क्या मिल गया, नैंड गेट मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं और गेट में नॉट ऑपरेशन लगा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा नॉट गेट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको देखना है कि अगर मुझे कहीं पर भी लो आउटपुट देखने को मिलता है, आउटपुट देखने को मिलता है, तो इट मींस इनपुट वहाँ पे हाई होगा। नैंड में क्या था, लो इनपुट था, हाई आउटपुट आ रहा था। अब यहाँ पे रिवर्स हो गया, लो आउटपुट आएगा हाई इनपुट पर। हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इन्वर्जन कर दिया, स्मॉल सर्कल हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे ये जो डैश है आपका इन्वर्जन को शो कर रहा है। तो देखिए मुझे यहाँ पर, मैंने आपको बताया था हाई आउटपुट देखने को मिलेगा जब मेरे पास में लो इनपुट होगा। देखिए लो इनपुट है, मुझे हाई आउटपुट देखने को मिल गया। मींस दोनों कंडीशन अगर 0 हैं तभी मेरे पास में हाई आउटपुट आ रहा है, अदरवाइज मेरे पास में 0 0 0, लो वोल्टेज शो हो रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक्सक्लूसिव और की बात करें या फिर जोर गेट की बात करें। यहाँ पर अगर मेरे पास में इनपुट में कहीं हाई वैल्यू है बट नॉट बोथ ऑफ देम, केवल एक इनपुट हाई होना चाहिए, दूसरा हमारे पास में इनपुट हाई नहीं होगा, मींस मेरे पास में एक 1 होना चाहिए, एक 0 होना चाहिए, तब मुझे हाई आउटपुट शो होगा। जैसा कि आप इसके ट्रुथ टेबल में देख रहे होंगे कि मेरे पास में अगर दोनों हाई हैं तो मुझे 0 शो हो रहा है, मेरे पास में दोनों लो हैं तो मुझे 0 शो हो रहा है। बट अगर मेरे पास में एक लो है, एक हाई है, एक हाई है एक लो है, तो मेरे पास में यहाँ पे हाई आउटपुट आ रहा है। इसका जो एल्जेब्रिक फंक्शन होता है वो आपका एक्स इक्वल टू ए डैश बी प्लस ए बी डैश होता है। एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमने स्मॉल सर्कल के इनसाइड प्लस किया हुआ है, दिस इज द सिंबल फॉर जोर गेट। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं एक्सक्लूसिव नॉर की। देखिए हमने एक्सक्लूसिव नॉट गेट देखा, अब हम एक्सक्लूसिव नॉर देंगे, मीन्स जोर गेट में हम एक्सक्लूजन लगा देंगे। यहाँ पर मेरे पास में इट विल गिव ए लो आउटपुट इफ वन ऑफ द इनपुट इज हाई, अगर मेरे पास में एक भी इनपुट हाई है तो वहाँ पे लो आउटपुट देखने को मिलेगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसका आप ट्रुथ टेबल देखिए। देखिए मेरे पास में अगर दोनों लो हैं तो मुझे हाई स्टेट मिल रही है, दोनों हाई हैं तो मुझे
हाई स्टेट मिल रही है, लेकिन अगर दोनों में से ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए कि अगर मेरे पास में एक ज़ीरो है एक वन है तो मेरे पास में लो आउटपुट आ रहा है, एक हाई है एक लो है तो मेरे पास में लो आउटपुट आ रहा है। तो दिस इज़ द एक्सक्लूसिव NOR गेट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।